हेलो फ्रेंड्स, सभी को वेलकम है आपके चैनल टैक्स एक्सपर्ट में। फ्रेंड आज इसके अंदर हम वीडियो के अंदर मेरे पास तीन होम थिएटर है, उनमें तीनों में मिस्टेक है, तो इस वीडियो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक है, तीनों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तीनों के अंदर है। कुछ इस तरह की आपको देख सकते हो आप, एक दो तीन, ये तीन होम थिएटर है, काफ़ी पुरानी है। इनके जो साउंड है ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऊपर की तरफ पड़े हैं, कुछ यहाँ पर पीछे पड़े हैं। तो फ्रेंड ये अभी तो इनको हम चेक करेंगे इसमें क्या मिस्टेक है क्या नहीं मिस्टेक है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड के भी बात शेयर करना। जितने भी हमारे फ्रेंड न्यू इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फ्रेंड शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड पहले हम ये ओपन करेंगे, इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। यहाँ से पीछे से आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है बनो का, यहाँ पर जो साउंड का आउटवर्डिंग का दिया हुआ है, कुछ आगे से कुछ इस तरह से आता है फ्रेंड ये जो ये इस तरह का है। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर मिस्टेक क्या क्या है। तीन है मेरे पास, तीनों को हम ओपन करेंगे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हम एक स्क्रू और है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ये जो जंग में आ चुका है तो यहाँ पर मेरे को ये दिखा नहीं। आप देख सकते हो इसके अंदर माल पानी क्या क्या है। ये शायद यहाँ का है, इसका ऊपर का, यहाँ पर ये देख सकते हो जो यहाँ पर ये इस तरफ यहाँ पर लगा हुआ आता है फ्रेंड, जो इसके अंदर अंदर मिला है मेरे को। फ्रेंड इसके अंदर ज्यादातर इसके अंदर होम थिएटर में जो होम थिएटर साउंड होते हैं इसमें ज़्यादातर ये ट्रांसफॉर्मर की मिस्टेक होती है। एरिया यहाँ पर जो ये कैपेसिटर है, यहाँ पर जिस कैपेसिटर में से कुछ कैपेसिटर उड़ भी सकते हैं, तो ये हम चेक करेंगे अभी इसके अंदर ये कुछ। ओह फ्रेंड इसके अंदर तो यहाँ से वायर ही निकला हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हो एक वायर ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर देखो आप, आपको दिख रहा है तो यहाँ पर एक ही वायर, एक वायर ही नहीं यहाँ पर निकल चुका है यहाँ से। तो फ्रेंड यहाँ था एक वायर और, यहाँ पर आपको दिखाऊँ नीचे और जूम करके दिखाऊँ, दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ पर एक वायर टूट चुका है इसका। मुझे लग रहा है कि साउंड सही है ये, इसका एक वायर यहाँ से निकल चुका है। तो हम इसके अंदर क्या करें जो इससे चल भी सके, या तो इसका एक वायर हमको बाहर निकालना पड़ेगा वापस यहाँ से ट्रांसफॉर्मर से, इसको पूरा ओपन करके यहाँ से वायर से एक वायर निकालना पड़ेगा बाहर। यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर कुछ वायर वगैरह टेप वगैरह की हुई है, आप देख सकते हो काफ़ी पुराना है, यहाँ पर टेप वगैरह की हुई है, यहाँ पर आपको दिख रहा है देखो पहले से यहाँ पर कुछ कार्रवाई की हुई है इसके अंदर, यहाँ पर साउंड के अंदर टेप की हुई है पहले से ही। मेन प्रॉब्लम यहाँ से वायर इसका निकल चुका है। अब इसके अंदर हम दूसरा ट्रांसफॉर्मर लगा के देखेंगे ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसको मैं एक बार साइड में रखता हूँ उसके बाद में देखते हैं। इसके अंदर पहली मिस्टेक तो ये ट्रांसफॉर्मर की है, जो ट्रांसफॉर्मर गया हुआ है, उसके बाद में इसको देखेंगे चेक करके। और बाकी कंडीशन देख सकते हो आप, बोर्ड की एकदम एवन कंडीशन है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। यहाँ पर बोर्ड देख लो आप, एकदम बिल्कुल न्यू पड़ा है फ्रेंड, अंदर से कुछ धूल मिट्टी भी नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हो ये टूट चुका है। तो चलो फ्रेंड इसको मैं साइड में रखता हूँ, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि अंदर ट्रांसफॉर्मर की मिस्टेक है, बाकी मेरे को नहीं लग रहा है कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये बिल्कुल एवन कंडीशन, अंदर से कुछ जला हुआ नहीं है। तो इसको हम ये वायर वापस इसको एक बार नीचे रख देता हूँ यहाँ पर। फ्रेंड ये किया है आप देख सकते हो, इसका भी यहाँ पर से देख सकते हो वायर वगैरह कुछ
निकला हुआ है यहाँ से। ये इतनी सी वायर आप देख सकते हो यहाँ पर, जो मेन सप्लाई की वायर आप देख सकते हो, इतनी सी वायर है। फ्रेंड आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी कुछ भी आपके घर पे इलेक्ट्रिक सामान आप खुद रिपेयर किया करो, बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड इसमें। मुझे पता है और फ्रेंड इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर ही नहीं है, आप देख सकते हो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर ही नहीं है। यहाँ से किसी ने ट्रांसफॉर्मर इसका निकाल चुके हैं फ्रेंड, यहाँ पर था इसका ट्रांसफॉर्मर। फ्रेंड बाकी तो इसके अंदर बिल्कुल ओके है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर भी नहीं है। इसके अंदर तो ट्रांसफॉर्मर खराब था, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर ही नहीं है, किसी ने पहले ही निकाल लिया ये। वाह मेरे भाई। अब फ्रेंड इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर हम लगा के चेक करें कि ये चालू कंडीशन में। फ्रेंड इसका बोर्ड देख सकते हो आप, बिल्कुल एवन कंडीशन है। यहाँ पर आप बोले थे इसका मैं तीनों का एक ही साउंड बनाऊंगा, तीनों का सभी स्पीकर इसके यूज़ में लेंगे, उसके अंदर तीनों का एक ही साउंड टाउट साउंड इसका बनाएंगे। इसके अंदर फ्रेंड बेस वगैरह आप देख सकते हो बिल्कुल ओके है फ्रेंड। अंदर इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर नहीं है, बट इसके अंदर आप बेस देख सकते हो इसका, एकदम ओके कंडीशन है, बिल्कुल एवन कंडीशन है, बिल्कुल बिल्कुल गर्द भी नहीं है इसके अंदर, जो धूल मिट्टी है वो भी नहीं है फ्रेंड आप देख सकते हो। आईसी वगैरह आप देख सकते हो इसकी एकदम बिल्कुल ओके है। यहाँ से इसको इसके अंदर जो ये ट्रांसफॉर्मर है इसके अंदर वापस दूसरा डालना पड़ेगा लाके, मेरे पास अभी ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, नहीं तो इसके अंदर डाल देते हम। बाकी कंडीशन एकदम एवन कंडीशन है। इनकी तीनों की वीडियो एक साथ बनाएंगे, तीनों का एक ही टावर स्पीकर बनाएंगे इनका, है बड़ी इसके अंदर साउंड वाले डालेंगे, उसके बाद में देखना कितना गजब इसका साउंड बनेगा। तो फ्रेंड ये भी इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर की कमी है, किसी ने ट्रांसफॉर्मर पहले ही निकाल चुके हैं। बाकी इसके अंदर आप देख सकते हो बोर्ड के अंदर, बोर्ड आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से नीचे से देखो, बोर्ड के अंदर फ्रेंड कुछ भी जला हुआ नहीं है, बिल्कुल एवन बोर्ड है आप देख सकते हो। यहाँ से अभी जो कैपेसिटर वगैरह है यहाँ से जले हुए वो दिख जाते हैं हमको फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो आप, पीछे से देख लो आप कहीं पे जला हुआ नहीं है, बिल्कुल एवन कंडीशन है। अब इसके अंदर जो इसका ट्रांसफॉर्मर है वो इसके अंदर इंस्टॉल करना है वापस दूसरा लाके, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, इन सब की मैं अलग से वीडियो आपको और बना दूंगा, एक एक इनको सही हम मेरा ज़्यादा से कोशिश था इनको एक साथ में टावर में कनेक्ट करने का, जैसे बड़ा साउंड बनाने का। इन तीनों को जो स्पीकर एक साइड में डाल देंगे, इसके बूफर एक साइड में अलग से टावर बना देंगे फ्रेंड, तो उसके अंदर ये साउंड चलाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैं ये लेके आया था उससे कि इसका मैं कुछ अलग ही बना के तैयार करूँ। तो फ्रेंड ये इसके अंदर आप देख सकते हो ओनली बोर, इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर की है वो कमी है, बाकी ये बिल्कुल सही है, इसका कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रही है। यह हो सकती है यहाँ पर आप आगे देख सकते हो, यहाँ पर जो ये है यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर आते हैं जो कम बेसी वाले, ये ज़्यादातर इनके अंदर ये ख़राब हो जाते हैं, यहाँ से जो यहाँ पर वॉल्यूम करने पर खरखराहट की आवाज़ आती है, साउंड क्लियर नहीं आता है, वो यहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है इनके अंदर। ये पोटेंशियोमीटर हमको चेंज करना पड़ेगा, हम नया साउंड बनाएंगे उसके अंदर नया लगाएंगे सब कुछ, और इसका जो स्पीकर वगैरह है वो काम में लेंगे। तो चलो इसको मैं वापस पैक करता हूँ यहाँ से। आप देखते हो एकदम बिल्कुल ओके है ये। मैं यहाँ पर देखो नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर ये पड़ा, एक ये वो रख देते हैं यहाँ पर, दो हो चुके हैं। अब ये तीसरा हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे फ्रेंड, ये बिल्कुल नया स्पीकर आप देख सकते हो, आप जो होम थिएटर है ये बिल्कुल नया है आप देख सकते हो। ये कुछ रिमोट वाला और है, यहाँ पर यूएसबी का ऑप्शन दिया हुआ है दो, यहाँ पर बेस का ऑप्शन दिया हुआ है, वॉल्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, एंड यहाँ पर कुछ
मोड चेंज की ऑप्शन, छोटे छोटे बटन यहाँ पर आप देख सकते हो। ये थोड़ा लेटेस्ट मॉडल का है, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं ये, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीकर केबल वगैरह। इसको हम डायरेक्टली लगा के एक बार देखते हैं इसके अंदर चल जाएगी। फ्रेंड चला है, वाह ये वर्क कंडीशन में है। उनके वो जो पावर वाली केबल ही नहीं थी, इसको ओपन करके देखे थे हम। तो फ्रेंड ये तो मेरे को लग रहा है चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक मिनट इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या माजरा है। फिर क्योंकि इसके अंदर पावर की केबल वगैरह सब कुछ थी अटैच, कुछ भी नहीं था इसके अंदर निकला हुआ। कुछ यहाँ पर इस तरह का ये जो FM का इसके अंदर वायर भी दिया हुआ आप देख सकते हो। यार इसके अंदर आपको दिखाऊं तो पीछे की तरफ यहाँ पर देख सकते हो तीन पोर्ट दिए हुए हैं यहाँ से आउटिंग का, यहाँ से जो हम कार स्पीकर इसके अंदर अटैच होते हैं, यहाँ से ये दो लेने के, दो RS LS इसके अंदर दो के अंदर स्पीकर हम लगा सकते हैं। इनपुट आउटपुट यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड, गजब का है ये फ्रेंड। ये पीछे से यहाँ से इसको वापस इसके अंदर केबल लग जाएगी, यहाँ से जो स्पीकर के अंदर केबल लग जाएगी। चार पोर्ट दिए हुए हैं यहाँ पर केबल, वन ऑफ का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर AC इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड। चलो फ्रेंड इसको ओपन करते हैं जल्दी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड। अब देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं इसके अंदर क्या गजब की चीज़ निकली है। यहाँ पर किसी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको बताया दिख रही है यहाँ पर। इसका ब्लूटूथ का ऑप्शन इसके अंदर था नहीं, तो इसके अंदर कैसे लगाया आपको देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर एक पिन है जो इसके अंदर ऑडियो के अंदर जो कनेक्शन है उसके अंदर डाल दिए इसको, उसके बाद में ये पिन इसके अंदर डल जाती है यहाँ पर। यहाँ से USB के थ्रू, क्योंकि इसको अंदर पावर चाहिए तो यहाँ से USB चाहिए, तो यहाँ पर पूरा USB का पोर्ट ही डाल दिया किसी ने। देखो यहाँ पर गजब का दिमाग लगाया फ्रेंड यहाँ पर, किसी की बात तो आप दिखा। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे इसको, ये कोई चार्जर का है, यहाँ से जो वायर है यहाँ से देखो मेन जो सप्लाई आई है यहाँ से इसके अंदर कनेक्शन दे दिया, उसके बाद में इसको इसके अंदर लगा दिया जिससे ये चल जाए। गजब का दिमाग लगाया फ्रेंड, इसी तो कहते हैं फ्रेंड जो गाड़ी। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑफिस लगा देते हैं इसको, गजब का दिमाग लगाया। इसके अंदर इसे डाल दिया, इसके अंदर डायरेक्ट साउंड के अंदर यहाँ पर अटैच कर दिया इसकी वायर डायरेक्ट इसको काट के। एंड यहाँ पर अब इसको ओपन करते हैं फ्रेंड, चलो इसको चलाते हैं एक बार, आपको मैं चला के दिखाता हूँ एक बार, मैं आपको चला के बताता हूँ इसको। देखो यहाँ पर आ गई लाइट, गजब। अब फ्रेंड मेरे पास स्पीकर आप देख सकते हो यहाँ पर, ये स्पीकर इसके ये सभी ये स्पीकर है ना, इनमें से हम एक स्पीकर देख लेते हैं कोई है कि नहीं है। अब इनमें से आप स्पीकर देख सकते हो फ्रेंड, इनके साथ में ये 1 2 3 4 5 6 7 स्पीकर हमारे पास है जो आप देख सकते हो कुछ इस तरह के। इनके नीचे से ऐसे लल्लू उल्लू हो गए, टूट गई यहाँ से आप देख सकते हो। अब इसके अंदर से ये सही है एक स्पीकर इसका, ये टूटा हुआ है नीचे से देख सकते हो आप, इसे हल रहा है एक इसका, इसके तो वायर ही नहीं है, एक ये सही है सॉरी इसका भी फ्रेंड ये वायर यहाँ से टूट चुका है आप देख सकते हो, यहाँ से ये काम में नहीं ले सकते हम, दूसरा देखेंगे। ये सही है फ्रेंड, इसका वायर सही है पर ये टूटा हुआ है, पर हम चल जाएगा। चलो फ्रेंड इसको लगा के देखते हैं कैसा माजरा कहता है फ्रेंड। आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्पीकर है, एक ये स्पीकर है, ये दो स्पीकर लेके आया हूँ मैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर दो स्पीकर है, इनका दोनों का वायर ये ओके एकदम यहाँ से आप देख सकते हो, ये इसके अंदर यहाँ पर टेस्ट करना है आपको देख सकते हो यहाँ पर,
यहाँ पर एक केबल यहाँ पर लग जाएगी, एक केबल यहाँ पर लग जाएगी फ्रेंड ये, ठीक है। इसके अंदर अब मेरा वाला फोन ही इसके अंदर ब्लूटूथ ओपन है, ब्लूटूथ इसके अंदर ओपन है फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया हुआ है पहले से किसी का, तो इसको हम सर्च करके देखते हैं इसके अंदर आता है कि नहीं आता। ये इसके अंदर अब दिखेगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टिविटी आ चुकी है। अब इसको हम कुछ इसके अंदर चला के देखते हैं कि वो आ जाती है कि नहीं आती है। फ्रेंड इसका मेरे को लग रहा है पोटेंशियोमीटर खराब है यहाँ से। यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसके शायद मेरे को लग रहा है यहाँ से ये खराब हो चुके हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ से मेरे को लग रहा है ये खराब है क्योंकि इसको साउंड बन नहीं रहा है फ्रेंड इसके अंदर। पोटेंशियोमीटर मिस्टेक फ्रेंड यहाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड ये चालू कंडीशन में है। फ्रेंड ये की इनमें से तीन में से एक ही रिपेयर हमको, तीन में से एक ये हमको सही मिला है फ्रेंड। आप देख सकते हो ये चालू कंडीशन में है, इसके जो पोटेंशियोमीटर है ये चेंज करने पड़ेंगे। आपको मैं बताता हूँ एक मिनट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड। ये हमको ये चेक करना था कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। अब इसके अंदर मैं इसको पैक कर देता हूँ वापस, फिर इसको हम टेस्ट करेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फोन करके आप दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये आप देख सकते हो आप यहाँ पर इसकी जो लाइट वगैरह, इसके साथ में रिमोट था फ्रेंड, वो रिमोट हमने उसने हमको नहीं दिया, ये केवल साउंड दिया है। यहाँ पर देख सकते हो रिमोट USB सबका दिया हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर दोनों स्पीकर हम वापस लगाते हैं, फिर इसके अंदर देखते हैं क्या फॉर्मूला है। इसके अंदर ये पोटेंस मिलते हैं, उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोटेंस मीटर है, इनकी मिस्टेक है, ये चेंज करने पड़ेंगे, ये खराब हो चुके हैं हमारे। और बाकी ये चल रहा है वर्किंग कंडीशन में है फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोटेंस मीटर है, इनको दबाने से यहाँ पर साउंड आने लग जाता है। बूफर ही बोल रहा है, काबिल बूफर ही बोल रहा है, ये स्पीकर बंद हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड आप, ये वर्किंग कंडीशन में हमको मिला है। ये शुक्रिया मानो कि ये चालू मिल चुका है।
अब इसको हम इसके अंदर जो स्पीकर है इनको रिपेयर करेंगे, उन दो का हम अलग से टावर स्पीकर बनाएंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। एक नंबर हम इसका साउंड बनाएंगे, इसका टावर स्पीकर गजब का बनेगा फ्रेंड, उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। जितने भी आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर हमारे पास कमेंट कर सकते हो, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। जितने भी हमारे फ्रेंड न्यू देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो को भी लाइक जरूर करना। तो चलो फ्रेंड अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक यू, बाय बाय।